अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ आपके सिर्फ इबाद। तो ये मेरी आज की रेसिपी है, वो है ट्रैफल। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया कोई रेसिपी मीठी के अपलोड की, तो मैंने कहा आज तो इसको स्वीट रेसिपी अपलोड करती हूँ मैं। इसके लिए मैं एक पैकेट चाय लेके लूँगी, मैं 1.5 कप पानी, उसको अच्छे से 2 मिनट के लिए बॉयल करूँगी मैं। और इधर मैं ली है रेड फ्लेवर चाय का, मैं 2 फ्लेवर ऐड किए, रेड और ग्रीन। इसको साथ साथ मिक्स करूँगी, साथ साथ मिक्स करने की वजह ये होगी ताकि इसमें जो है वो लम्स ना बने जेली के अंदर, ठीक है। उसको 2 मिनट पकाने के बाद मैं किसी बॉल में उसको निकाल दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने ली है ग्रीन फ्लेवर। सेम प्रोसीजर किया है मैंने कि 2 कप पानी जेली ऐड करूँगी और साथ साथ उसको मैं मिक्स करूँगी। 2 मिनट पकाने के बाद भी इसको मैं अलग से बॉल में निकाल लूँगी। आधा घंटा हम इसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीजर में, ठीक है। इधर मैंने ली है 1 किलो दूध। 1 किलो दूध लिया मैंने अलग से और 1 किलो दूध लिया अलग से। इसकी वजह यह है कि मैं 2 फ्लेवर बना रही हूँ। मैं 1 लूँगी मैं मैंगो और 1 है मैंने वनीला। 1 किलो दूध के मैंने लिए है 5 चम्मच कस्टर्ड के, ठीक है। 5 चम्मच ऐड किए कस्टर्ड पाउडर पानी में, इसको इससे मिक्स करूँगी। ये मेरा मैंगो था, अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला कस्टर्ड। बताया मैंने आप लोगों के 2 फ्लेवर ऐड करूँगी, इससे काफ़ी जो ट्रैफल का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैं सोचा आज इसमें हम 2 फ्लेवर ऐड करते हैं, मैंगो और वनीला। दूध को मैंने अच्छे से बॉयल कर ली है, इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड, इसको मिक्स करूँगी। इसको तब पकाना कि अच्छे से गाढ़ा होता है। तो कस्टर्ड भी मेरा रेडी हो चुका है, अलग से बॉल में मैं निकालूँगी प्लेन केक, ठीक है। क्योंकि अब उसके ट्रैफल ना लगे तो उसको अलग से बॉल में केक लिया है मैंने। क्रीम डालूँगी मैं बीच में इसके, तो मीट में और जेली, जेली में 2 फ्लेवर लिए थे ग्रीन और रेड और ग्रीन, ठीक है। तो इसमें ऐड करूँगी मैंगो, पर मैंने इसमें किया है वनीला फ्लेवर। ऊपर मैंने सेव किया केक जेली और क्रीम, ऊपर मैंने ऐड किया कस्टर्ड, वो मैंगो कस्टर्ड। तो जो मेरा ट्रैफल है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।